वायर मोड अपोकलिप्स। अगर इसके पहले पार्ट को आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसे चेकआउट जरूर करें। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही खून खराबे वाले सीन को देखते हैं, जहाँ एक लेडी जिसका नाम ब्रूक होता है, वो अपने ही भाई को खाने की कोशिश कर रही होती है, जिसका नाम पैरी होता है, क्योंकि उसे खून की तलब होती है। इसके बाद ब्रूक ग्रेस नाम की लड़की पर भी अटैक कर देती है, लेकिन बैरी उसे खून पिलाकर उसे शांत कर देती है। और वहीं एक और लड़की भी होती है जिसका नाम मैक्स होता है। ग्रेस और मैक्स जो है वो एक दूसरे की सिस्टर्स होती हैं। तभी ग्रेस ब्रूक पर शूट करती है, मगर वो तीर बैरी को लग जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रीस को देखते हैं, जिसने सोल्जर के कपड़े पहने होते हैं और वो अपने फेस पर मास्क लगाकर ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज के मुंह के अंदर से गैस निकल रही थी जो कि फ्यूल का काम कर रही होती है। रीस सभी ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और हम देखते हैं रीस जो है वो ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आसानी से जी रहा होता है। और रीस के गेट के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और जब वो ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो रीस कार लेकर बाहर जंगलों में चला जाता है और उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो बाइक चला रहा होता है और रीस उसे शूट करके उसे बेहोश कर देता है। और रीस एक बंकर के पास चला जाता है और उसमें से एक डॉक्टर निकलता है और फिर रीस उस पकड़े हुए आदमी को उस डॉक्टर को दे देता है और अपने साथ कुछ ज़ॉम्बीज भी लेकर आया था। और फिर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर उन लोगों को पकड़कर उससे क्योर बना रहा होता है। और वो डॉक्टर रीस से कहता है कि हमें एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी चाहिए और उसे एक लड़की की फोटो देता है और कहता है कि इसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। और साथ ही उसे ये भी कहता है कि इस फोटो में जो आदमी है इसने तुम्हारे छोटे भाई को मारा है और चाहो तो तुम इसे भी जान से मार देना। इसके बाद हम मैक्स और ग्रेस को देखते हैं और ग्रेस जो है वो ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और अपना आपा खो रही थी और मैक्स उसे ब्लड पिलाकर शांत कर देती है। इसके बाद उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है और वो अटैक रीस ने किया होता है। रीस और ग्रेस आपस में एक जबरदस्त लड़ाई करते हैं और रीस ग्रेस को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और फिर गाड़ी में से मैक्स निकलती है और ग्रेस को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिंदा इंसानों को टॉर्चर करके उनका ब्लड खुद की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। डॉक्टर इसलिए अपनी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर कर रहा था क्योंकि वो खुद को हाइब्रिड ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, लेकिन इसकी यह हकीकत किसी को भी नहीं पता होती। और वहीं कर्नल अपने एक सोल्जर के साथ वहां आता है और डॉक्टर की ये हरकत देखकर कर्नल अपने सोल्जर से उसे शूट करने के लिए कहता है। जब वो सोल्जर डॉक्टर को शूट करने वाला होता है तो कर्नल अपने ही सोल्जर को जान से मार देता है और उसका पूरा ब्लड डॉक्टर के फेस पर चला जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और कर्नल और डॉक्टर एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और जब रीस ग्रेस को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तो ग्रेस रीस पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो रही होती है तो रीस उसे शूट करने वाला होता है। इसके बाद ग्रेस उसे खुद से ब्लड पिलाती है और वापस वो नॉर्मल हो जाती है और फिर रीस समझ जाता है कि ये एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी है और रीस उसे बेहोश करके डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे वहां पर कर्नल मिलता है। जब सोल्जर ग्रेस को डॉक्टर के पास लेकर जा रही होती है तो ग्रेस सोल्जर पर अटैक कर देती है और वो एक बार फिर से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है तो रीस ऐसे में उसे ब्लड पिलाकर शांत कर देता है और वो सोल्जर ग्रेस को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। और रीस कर्नल से पूछता है कि इस बारे में तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, इससे अब तो तुम क्योर बना लोगे ना। कर्नल गुस्से में कहता है कि तुम्हारा काम एक अच्छे सोल्जर की तरह लोगों को पकड़ कर लाना है और तुम्हें कुछ भी जानने का हक नहीं है। और कर्नल रीस की बेइज्जती कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीस जो है वो मीट की खुशबू से ज़ॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर ले जाता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर से मिलके उसे अपने पिल्स लेता है। और हम देखते हैं कि मैक्स जो है वो गाड़ी के नीचे लटक कर रीस का पीछा कर रही होती है और हम ग्रेस को देखते हैं जो बंकर में बंदी होती है और वहीं पर वो डॉक्टर भी होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जिस आदमी का ब्लड उसने अपनी बॉडी में ले लिया था वो आदमी वहीं पर खड़ा था और उस डॉक्टर को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बेरहमी से मार देता है और उसके ब्लड से एक और दवाई बना लेता है। इसके बाद रीस अपने घर के पास आ जाता है और उसके गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो उन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर उन्हें अपने घर में ले आता है और जो पिल्स उसे डॉक्टर से मिली हुई होती है उसे ओपन करके चेक कर रहा होता है। और जब वो रात में सोने की कोशिश करता है तो कोई उसके घर की लाइट को बंद कर देता है और रीस उठकर उस लाइट को चालू करता है और वापस अपने कमरे में आता है तो उसे वहां पर मैक्स दिखती है और मैक्स उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और जब रीस बेहोशी से उठता है तो वो देखता है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने मैक्स बैठी हुई होती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे ग्रेस को बचाना होता है। रीस मैक्स को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पर एक जख्म हुआ है, मुझे इसे सिलने दो और फिर हम साथ साथ बाहर चलेंगे।
फिर मैक्स उस पर गन तान कर उसे अपने जख्म को सिलने देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी कार से ग्रेस की ओर पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। जब वो कार में जा रहे होते हैं तो मैक्स उसे पूछती है कि तुम लोगों को बंदी बनाकर उस डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाते हो। तो रीस उसे कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो डॉक्टर इंसानों के ब्लड से एक क्योर बना रहा है जिससे लोग ठीक हो सके। इसके बाद रीस बड़ी चालाकी से मैक्स को गाड़ी के बाहर फेंक देता है और उसे गैस वाली गन से शूट करके बेहोश कर देता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। और तभी उसे वहां पर कर्नल मिल जाता है और वो सोल्जर जब मैक्स को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं तो कर्नल जो है वो रीस की बेइज्जती करने लगता है और रीस अपनी गाड़ी में जाकर उस वाली गैस गन से कर्नल और सभी सोल्जर्स को बेहोश करता है और मैक्स को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और डॉक्टर ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैक्स और रीस जब गाड़ी से भाग रहे होते हैं तो कर्नल और सोल्जर भी रीस का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद रीस बूस्ट का बटन दबाता है जिससे गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं। इसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा करते करते कर्नल की गाड़ी भी वहां आ जाती है और मैक्स दरवाजा ओपन होने वाला बटन दबाकर वहां से भाग जाती है और कर्नल रीस की गाड़ी पर अटैक कर देता है और उसके कपड़े उतार कर उसे दो पेड़ों के बीच में बांध देता है और फिर कर्नल उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे